साथ अब हमारी है खास खबर। अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत का पहला कवि सम्मेलन बांदा में आयोजित किया गया। देखें ये हमारी खास खबर। नेशनल मीडिया क्लब की ओर से शहर के रामलीला मैदान में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को देश के जाने माने कवि विष्णु सक्सेना, शिवम अंबर, सर्वेश कलीम केशर, गौरव चौहान, कविता तिवारी, मुकेश श्रीवास्तव, अमित शर्मा, शबीना मदीन और कविता पाठ के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी। तमाम प्रबुद्ध जन साथियों का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी इस बात की है कि आज इस कार्यक्रम में जो अटल जी की याद में एक श्रद्धांजलि सभा के रूप में आयोजित किया जा रहा है, इसकी रूपरेखा दिल्ली में अटल जी की श्रद्धांजलि सभा में रखी गई। जब मैं उस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में था तो हमारे एक मित्र राज्यसभा के सांसद साथी ने कहा कि अवस्थी जी अटल जी कवि थे, पत्रकार थे, राजनेता थे, तो आज दिल्ली में यह आयोजन एक राजनीतिक आयोजन है, तमाम राजनीतिक दलों के लोग यहाँ पर अटल जी को श्रद्धांजलि दे रहा है। लेकिन अभी तक कभी हटे अटल जी को श्रद्धांजलि नहीं दी गई। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की धरती में अटल जी को श्रद्धांजलि दी जाए, कवियों के माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से। मैंने उनकी बात को सुना और बड़ी गंभीरता से लिया। मैंने सोचा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं अटल जी की श्रद्धांजलि का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में कहीं रहता हूं, क्योंकि मैं हर साल लगभग 6 वर्ष से 25 दिसंबर को माननीय अटल जी के जन्म दिवस पर ये कार्यक्रम करता हूं। ये भी मेरा सौभाग्य है कि 2014 में माननीय अटल जी के जन्म दिवस पर इस बांदा की धरती में अटल जी के जब दिवस पर मुझे कार्य किया था, जब ये प्रस्ताव रखा गया तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आया कि अगर उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम में कराऊंगा तो क्यों नहीं कार्यक्रम में बांदा की धरती पर कराऊंगा। अटल जी सत्य के लिए जिंदा रहे इसीलिए कविता का सहारा लेते रहे, और कविता का इसलिए सहारा लेते रहे कि सत्य के ही साथ कविता डोलती है। वाह, सत्य के ही साथ कविता डोलती है, झूठ की हर बोल कविता खोलती है। वाह वाह, वह न डरती है कभी दुश्मनों से। वाह वाह, वह न डरती है कभी दुश्मनों से, शीश में चढ़कर सभी के बोलती है, सत्य के ही साथ कविता बोलती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और क्या करती है अटल जी ने जो सबका हृदय जीतने की कोशिश किया, कविता के ही सहारे भेद की दीवार कविता तोड़ती है। अगर भेद की खाई कहीं पर या दीवार खड़ी है तो वो कविता के सहारे से ही तोड़ी जा सकती है। भेद की पुरुषोत्तम पांडे जी आदरणीय, भेद की दीवार कविता तोड़ती है, आदमी को आदमी से जोड़ती है। वाह 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 वाह, भेद की दीवार कविता तोड़ती है, आदमी को आदमी से जोड़ती है। मार सकता कौन कविता को जगत में, इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को मारा नहीं जा सकता। मार सकता कौन कविता को जगत में, काल की भी खोपड़ी वाह तोड़ती है। क्या बात है भाई, राजनीति को मंचली होने से बचाते रहे, राजनीति अटल बिहारी वाजपेयी पर हावी नहीं हो पाई, अटल जी उस पर हावी हो गए,
इस बात यह संदेश है, इस कविता के माध्यम से है, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पंक्तियां हैं कि आप राजनीति तनिक भी न हो मनचली, अब राजनीति हो न तनिक भी मनचली, वह पकड़े ही रहे नित अटल की गली, वह पकड़े ही रहे। अगर निश्चित रूप से अटल जी जिस तरह से राजनीति को जिया है, अगर उस गली पर राजनीति चले तो अब भी कठिन नहीं है इतनी लोकप्रियता हासिल करना। नित पकड़े ही रहे नीत रीति की गली, कोई न रहे आदत, कोई न रहे आदत, भारत सुपुष्ट हो, कोई न रहे आदत, भारत सुपुष्ट हो, है समर्पित अटल को यह काव्यांजलि, है समर्पित यह काव्यांजलि। और ये पंक्तियां मौजूदा प्रधानमंत्री जी के पास तक जानी चाहिए कि अब साथ सभी सही सबका, अब साथ सही सबका, मिलता सदा रहे सबके विकास का सिर हिलता पंक्तियों पर से बात चाहूंगा कि सबके विकास का सिर हिलता सदा रहे, निज राष्ट्र प्रेम भक्ति के विशाल ताल में, निज राष्ट्र प्रेम भक्ति के विशाल ताल में, हर प्रगति का है कि मैं आपके बीच का हूं, अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा, इन कवियों को समय देना चाहेंगे, केवल केवल रमेश जी को आप ऐसे सुधी श्रोताओं के लिए ये पंक्तियां अर्पित कर रहा हूं कि यह से तो संस्मरणों का, यह से तो संस्मरणों का टूटने न पाए, यह से तो Oh,
केजरीवाल तुम्हें मोदी के खिलाफ सबूत याद रहते हैं, मोदी ने क्या क्या किया उसके आरोप तुम्हारे पास रहते हैं, लेकिन जब देश के सैनिक सीमा पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो केजरीवाल तुम्हें उनका भी सबूत चाहिए। मित्रों, मैंने जवाब भेजा है केजरीवाल को, और यहां खुलकर कहता हूं बांदा के इस मंच से कि इस देश के किसी दो कोड़ी के नेता में इतनी हैसियत नहीं कि वो हमारे सैनिकों के शौर्य और पराक्रम का सबूत मांग सके। केजरीवाल तुम चीज क्या हो? एक विशेष कविता रखता हूं, उसके बाद 2 मिनट की छोटी कविता, और अपना काम तमाम नहीं करते हैं, विराम करते हैं। वाह, पढ़ने को भी घंटा पढ़ सकते हैं। सुनिए, इस देश का सैनिक क्या होता है कि इस बांदा की भीड़ में कोई सैनिक का भाई, सैनिक का पिता, सैनिक की माँ, सैनिक की बहन बैठी हो। ये कविता मैं उनके चरणों में अर्पित करता हूँ। वो देश के तमाम नेता सुन ले, चाहे वो आजम खान हो, तो जिन्हें सेना में बलात्कारी नजर आते हैं। दिक्कत ये है, हमने अपने नायक बदल दिए। मैं आज इस मंच पर खड़ा होकर कहता हूं, वो हकला शाहरुख खान हमारा नायक नहीं हो सकता जो आज तक कम से कम का किरण नहीं कह पाया। वो बीबी के पल्लू में बैठकर बयान देने वाला आमिर खान भी हमारा नायक नहीं हो सकता है जो कहता है कि मुझे हिंदुस्तान में डर लगता है। हमारे असली नायक कौन है सुनिएगा। भारत माता की आंखों का तारा हर सेनानी है, भारत माता की आंखों का तारा हर सेनानी है। कश्मीर के कंकण में वीरों की अमर कहानी है। देश नहीं चलता है केवल संसद के नेताओं से, देश नहीं चलता है केवल मजहब के आकाओं से। अंतिम पंक्ति तक आसमान कर देना मेरी कविता को मित्रों। देश नहीं चलता है केवल मजहब के आकाओं से, देश नहीं चलता है मुन्नी शीला के अफसानों से, देश नहीं चलता है केवल शाहरुख या सलमानों से। अरे ना मंदिर के चरणामृत से, ना मंदिर के चरणामृत से, ना चमचम के पानी से, अरे हिंदुस्तान खड़ा है जिंदा वीरों की कुर्बानी से। हिंदुस्तान संविधान में बहुत कुछ नहीं लिखा, संविधान में बहुत कुछ नहीं लिखा, लेकिन आप सब कर रहे हैं। लेकिन मैं जवाब देता हूं, जिनको भारत माता केवल दो शब्द लगते हैं, जिनको भारत माता केवल एक साधारण नारा लगता है, वो सुन ले, वो वैसे सुन ले। हम हिंदुस्तानियों के लिए भारत माता क्या है? मैं केवल चीखूंगा चिल्लाऊंगा नहीं, साहित्य की धरती डाबा से आया हूं, नीरज जी की धरती से आया हूं, सुष्मा शिशु की धरती से आया हूं, आपको कविता भी सुनाऊंगा। सुनिएगा, सुने भारत माता क्या है। भारत माता शब्द नहीं है, श्रद्धा का संबोधन है। वाह वाह, भारत माता शब्द नहीं है, श्रद्धा का संबोधन है। भारत माता प्रेम समर्पण संबल का उद्बोधन है। भारत माता स्वाभिमान है भरत भूमि की माटी का। भारत माता अमर गान है वीरों की परपाटी का। अरे भारत माता, भारत माता भाव पटल पर अमित अखंडित सूरत है। भारत माता हर बेटे के मन मंदिर की मूरत है। बहुत बहुत आभार। इस मूरत को कैसे हटाओगे वैश्य तुम जैसे लोग। भारत माता भाव पटल पर अमित अखंडित सूरत है। भारत माता हर बेटे के मन मंदिर की मूरत है। मंच पर कलिंग केसर जैसे देशभक्त शायर बैठे हैं। भारत माता जंगे आजादी की अमर कहानी है। भारत माता बलिदानी आंखों का निर्मल पानी है। अरे भारत माता शेखर की पिस्तल से निकली गोली है। अरे ये अशफाक कलाम और अब्दुल हमीद की बोली है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तालियां कमजोर है अब्दुल कलाम के लिए। आपकी भारत माता शेखर की पिस्तल से निकली गोली है। ये अशफाक कलाम शहीद की पाती है। भारत माता हर सैनिक के नयन दीप की पाती है। अरे भारत माता पूजा है, अर्चन है, सबकी आशा है। भारत माता वतन परस्ती की अंतिम परिभाषा है। और इसे मजहब का नाम देने वाले सुन लें, भारत माता वतन परस्ती की अंतिम परिभाषा है। हम सब इसके बेटे हैं, हम सब इसके बेटे हैं। ये सबकी जीवन दाता है, किसी धर्म की नहीं, बल्कि ये सवा अरब की माता है। बहुत अच्छा। अभी तक मैं शालीनता से बोला, लेकिन अब तक भी ओवैसी को समझ में नहीं आया, तब थोड़ा कुछ आक्रोशित होना पड़ेगा। और गौरव चौहान का आक्रोश पूरे देश ने देखा है। वो आक्रोश ओवैसी को सौंप कर जगह पर बैठूंगा। तुम भारत माता की जय नहीं बोलोगे? लेकिन कुछ कपूत माइक पर आकर टुकड़ा कहते हैं, भारत माता को केवल धरती का टुकड़ा कहते हैं, इसके आंचल में आने को बाहें खोल नहीं सकते।
अपमान नहीं होने देंगे। और जिस दिन भी भारत माँ के बेटों का संयम डोलेगा, अरे तू क्या तेरा अब्बा भी भारत माँ की जय बोलेगा। माँ का आह्वान करना चाहती हूँ आप सब कमेंट कर। श्वेत कमलासिनी सुशोभिता अमराल पृष्ठ, श्वेत कमलासिनी सुशोभिता अमराल पृष्ठ, दीप्ति शुभ्र विश्व की सुलोचना प्रसार दे, तत्व ब्रह्म वेद की श्रुति पुराण रूपिणी माँ, लेखनी मयूर पंख छाट अंधकार दे, शब्द में बढ़ा दे देश प्रेम, रस व्यंजना प्रवाह शिल्प में बढ़ा दे माँ, पुर में जगा दे प्यार, याकी कर दे संहार, किसी तौर धरती पे राम राज ला दे माँ, अब हफ्तों दिखते नहीं, जिसके लिए कह रहा हूं समझ रहे होंगे आप, अब हफ्तों दिखते नहीं, दिखते थे हर रोज, और अपना ब्लड प्रेशर नपे उन्हें चढ़े ग्लूकोज। ये बुढ़ापे का प्रेम होता है, बुढ़ापे में इश्क की ये स्थिति हो जाती, अपना ब्लड प्रेशर नपे उन्हें चढ़े ग्लूकोज। मैंने कहा भाई साहब कैलाश भाई साहब आपके क्या हाल है, तो मुस्कुराते हुए बोले सर्वेश मेरे हाल बहुत अच्छे हैं, सुनो कविता की पंक्तियां। और उन्होंने हम लोगों को कविता की चार पंक्तियां सुनाई, कहा कि सुबह शाम रंगीन ख्वाब आ रहे हैं, लिफाफों में अक्सर गुलाब आ रहे हैं,
सुबह शाम रंगीन ख्वाब आ रहे हैं, लिफाफों में अक्सर गुलाब आ रहे हैं, और जिन्हें खत लिखे थे जवानी में हमने, बुढ़ापे में उनके जवाब आ रहे हैं। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। मैं 1997 में पहली बार आया था, जब आज़ादी के 50 वर्ष पूरे हुए थे, तो आदरणीय ललित जी वहाँ पर थे। जनक जी थे कि नहीं मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन आदरणीय ललित जी थे। एक कोई कॉलेज था, डिग्री कॉलेज, उसमें कोई सम्मेलन हुआ था, मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर कविता तब भी सुनी गई थी, आनंद तब भी लिया गया था और आज भी लिया जाएगा। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। अरे आप चलकर आ रहे हैं, शुक्रिया, लोग तो भूकंप में हिलते हैं। तो क्लब के संरक्षक व राजभाषा हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष रमेश अवस्थी ने सभी कवियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर महेंद्र सिंह, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। नेशनल मीडिया क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन अवस्थी ने अटल जी द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए गए योगदान पर प्रकाश डाला। शुभम अवस्थी ने भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम के दौरान सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी और तिंदवेर विधायक ब्रिजेश प्रजापति, बबेरू विधायक चंद्रपाल कुशवाहा, नरेनी विधायक राजकरण कबीर और बांदा विधायक चित्रकूट विधायक चंद्रिका उपाध्याय, मानिकपुर विधायक आर के पटेल, जिला भाजपा अध्यक्ष लवलेश सिंह, हेमंत सिंह, बाल मुकुंद शुक्ला, ममता मिश्रा, स्वदेश गौरव शिवहरे, भारतीयश अशोक त्रिपाठी, जीतू अजीत गुप्ता, अमित सेठ भोलू, राजकुमार राज, राजकुमार शिवहरे, मनोज जैन आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद दीक्षित, ललित व जवाहरलाल जलज ने संयुक्त रूप से किया। तो ये थी हमारी खास खबर मेरे यानी साक्षी रुटेजा के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 10, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।